हेलो एवरीबॉडी, आकाश एजु केयर में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं हल करेंगे जिससे इसके बारे में जो कंसेप्ट है इसकी कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो इसमें मैं किसी ऐसी राशि का मान निकालना है हमको, दो राशियों में एक राशि दिए होने पर दूसरी राशि का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं? यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तथा b बराबर 30 तो a का मान निकालना है। हमें मालूम है कि अगर a और b के एचसीएफ से इनके अनुपातों में गुणा करें तो हमें a और b के मान पता लग जाते हैं। तो हमें पहले एचसीएफ निकालना है। तो b का मान कैसे है? b का अनुपात इंटू एचसीएफ बराबर b, यानी एचसीएफ हमारा कितना है इन दोनों का, a और b का एचसीएफ इंटू 5 बराबर कितना होगा? 30। तो यहां से एचसीएफ दोनों का आ जाएगा हमारा 5 का अगर भाग लगाएंगे 30 में 6 आएगा, मतलब 6 हमारा एचसीएफ है। तो हम a का मान निकाल लेंगे, तो एचसीएफ का इसमें गुणा कर दें तो a का मान आ जाएगा, a बराबर हो गया हमारा 6 इंटू, और a का अनुपात 4 है इसलिए 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ये सवाल और भी किसी तरकीब से लगाया जा सकता था, लेकिन अगर किसी कंपटीशन में ये आ गया कि a अनुपात b 4:5 है, b बराबर 30 है, तो ए बी का एच सी एफ निकालिए, तब बहुत समस्या हो जाती। इसलिए हमने इसमें एच सी एफ निकाला है जिससे कि दो तरीके के प्रश्न हल हो सकें, ए और बी का एच सी एफ भी मिल सकता है हमें और ए का मान भी मिल सकता है। यहाँ सिर्फ दो अनुपात ही न दिए हों, तीन अनुपात दिए होंगे तब भी ऐसा हो सकता है। जैसे ए अनुपात b अनुपात c बराबर 1:2:3 है, और हमने देखा कि b का मान दिया हुआ है 30, b बराबर है 30, तो हमें a और c के मान निकालने हैं। तो हम सिंपली, या तो हमने एचसीएफ निकाला है, b का मान दिया है, b का ये अनुपात है, तो जो मान दिया है इसके अनुपात का इसमें भाग दें तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, 30/2=15, मतलब एचसीएफ ऑफ a b एंड c इज इक्वल टू 15। एचसीएफ जो है a b c का 15 आया है। अब हम a और सी जिसका चाहे मान निकाल सकते हैं, ए बराबर 1 इसका अनुपात और एचसीएफ इन तीनों का 15, ये ए का मान आएगा 15। सी का मान चाहिए तो इसका अनुपात सी का यहाँ से 3:3×15=45। इस तरीके से हम देखते हैं कि ए बी सी के मान क्रमशः हमारे जो है 15, 30, 45 आ गए हैं। इस तरीके से अगर अनुपात दिया है उनमें से कोई भी राशि दी है तो हम बाकी राशियों का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम दूसरे वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके।